स्टार्ट करो। पहले इसको गरम कर लेते हैं, उसके बाद देखना दोस्तों इसको। तो दोस्तों इसकी प्रॉब्लम थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप किस तरह से करने लगे हैं। साइलेंसर से इसके फट फट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। इसकी बुलेट की तरह आवाज़ इसकी साइलेंसर करने लगती है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्यूल की लाइनिंग चेक करते हैं और फ्यूल चेक करते हैं कि फ्यूल हमारा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ये हमारा फ्यूल गेज है जो हमने अपने से बनाया है, ये फ्यूल गेज। तो सबसे पहले इस फ्यूल गेज पर प्रेशर कितने PSI की आती है वो चेक करते हैं। चाबी ऑन करो। तो ये दोस्तों 20 PSI की प्रेशर मिल रही है हमें। ये कम से कम ये घड़ी की सुई 35 PSI के ऊपर होनी चाहिए, फिर से काट के तभी ये गाड़ी की प्रॉब्लम ठीक रह पाएगी। ये यहाँ तक होना चाहिए, 40 PSI या 35 PSI कम से कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इस गाड़ी का मोटर वीक है। जैसा कि आपने देखा था कि फ्यूल पंप की दिक्कत आ गई थी, तो हमने फ्यूल टैंक को डाउन किया और फ्यूल पंप को यहाँ से रिमूव कर लिया। ये देख सकते हैं ये फ्यूल गेज है और ये फ्यूल पंप कंप्लीट और ये फ्यूल पंप मोटर जो हम इसको नई रिप्लेस करने वाले हैं, न्यू मोटर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये वाला न्यू मोटर है और सेम हमने लेकर आया है मार्केट से, और ये पुराना वाला है जो कंपनी भी सेम है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हाँ चाबी ऑन करो। फिर से काट के ऑन करो। फिर से काट के ऑन करो।